खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है नीलकमल स्वीट शाही रोड सावरकर चौक ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है बड़े बाबा कार बाजार स्टेशन रोड ऑफिसर हॉस्टल के बगल में सिविल लाइन ललितपुर। सुदर्शन डिग्री कॉलेज एवं सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बांसी ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि इस वक्त की बड़ी खबर, ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के झांसी सागर हाईवे स्थित मन्नू पेट्रोल पंप के पीछे से आ रही है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से दो मोटरसाइकिल सवार युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाला एक कोई कंटेनर था। जिस समय ये घटना हुई उस समय दो गौरक्षक किसी गाय का ट्रीटमेंट कर रहे थे, चूँकि वो भी इसी हाईवे पर सुबह सुबह घायल हो गई थी, जिसका वो लोग इलाज कर रहे थे। इलाज करने के दौरान ही एक आवाज़ आई जोरदार और टक्कर मारता हुआ एक वाहनों से लदा लोडिंग ट्रक सीधा चला गया। बताया जा रहा है कि करीब 100 मीटर तक युवक घसीटता गया तथा दूसरा युवक भी वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुआ और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अलग अलग वाहनों में रखकर, एक नेशनल हाईवे और एक लोडिंग वाहन में रखकर जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है और दोनों शवों को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। तो वहीं इसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी की जा रही है। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार। क्या घटना हुई है? जैसे मान लो एचपी पेट्रोल पंप है, उसके पास मान लो कोई अज्ञात वाहन टक्कर मार के चला गया। हमारे लिए सूचना मिली कि आइए इधर एक्सीडेंट, हम लोग जैसे गए इनके लिए लेके हॉस्पिटल ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने परीक्षण करके उनके लिए मृत घोषित कर दिया, उनके लिए मुचलका में रखवा दिया गया है। कैसे लाए हैं आप? हाई एम्बुलेंस से लेके आए हम लोग। हमारा नाम सुरेंद्र कुमार, हाईवे एम्बुलेंस से लेके आए हैं।